गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, जितने भी जुड़ गए हैं हमारे साथ उन्हीं के साथ कंटिन्यू करते हैं, बाकी जो भी आना चाहेगा वो साथ साथ आता रहेगा। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है हरियाणा का प्रसिद्ध खोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। ये हमारा हरियाणा कल्चर से मैंने लिया है आज क्वेश्चन एक, ठीक है? तो वो बताइए आप, किस अवसर पर किया जाता है। ये देखिए पिक जो लगा रखी है ने, हमने कोशिश की है कि हम इस क्लास को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएं, इसलिए इसके अंदर हमने आज पिक्चर्स भी ऐड कर दिए कुछ एक। हाँ जी, लगभग सभी का आंसर ठीक है। गुड गुड। अब देखिए, हमारे पास है इसका करेक्ट आंसर है लड़के की शादी में, ठीक है? यानी लड़के की शादी में अगर पूरा लिखा मिले तो आपसे लिखा मिलेगा कि अगर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करें कि लड़के की शादी में बारात जाने के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा। तो आपका, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये खुड़िया नृत्य की ही तस्वीर है। बारात जाने के बाद और दोपहर में है ना, औरतें जब तक मान लीजिए बारात वापस आने का इंतजार करती है उस टाइम करती हैं इसको। दूसरा है आपका लड़के के जन्म पर, लड़के के जन्म पर हम बोलते हैं छठी नृत्य। क्या है छठी नृत्य? लड़के के जन्म पर। उसके बाद है वृद्ध की मृत्यु पर, यानी जब घर में किसी बड़े बुजुर्ग की मतलब मृत्यु हो जाती है और हम मानते हैं कि वो जो बुजुर्ग थे वो सम्मान के लायक थे, ठीक है? यानी हम खुशी का मानने से में, ठीक है? तो उस टाइम वृद्ध की मृत्यु पर भी आपका नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है आपका फाग नृत्य। होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? फाग नृत्य, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? यानी ये जो नदियां हैं आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जो आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? अच्छा देखिए, ये जो आपका वृद्ध की मृत्यु पर नहीं बताना, ये खेड़ा नृत्य बोलते हैं इसको, खेड़ा नृत्य, ठीक है? क्या है खेड़ा नृत्य? बुजुर्ग की मृत्यु पर, ठीक है? बुजुर्ग की मृत्यु पर खेड़ा नृत्य। अब कौन सी नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती? अब देखिए, आपकी मारकंडा है ये भी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, जो सरस्वती नदी है ये भी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, दोहान नदी है आपकी जो कि शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती है, यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, और जो गग्गर नदी है ये भी किससे निकलती है आपकी शिवालिक पहाड़ियों से। यानी ये जो तीनों नदियां ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से और दोहान नदी है जो अलग है, ठीक है? अगर हम शिवालिक की बात करें हम, तो आपसे पूछे कि हरियाणा के कौन से क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, तो आपका जो उत्तर पूर्वी इलाका है, यानी कि जैसा कि मैप में देख रहे हैं आप, ये जो ऊपर का पंचकूला है इधर, ठीक है, यमुनानगर इधर को, ठीक है, यानी जो पूर्वी इलाका है यहाँ पर हमारी क्या है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, और शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 1.67% क्षेत्रफल है आपका शिवालिक पहाड़ियों का। शिवालिक पहाड़ियों के आपका क्षेत्रफल है 1.7, सॉरी 67%, डन। उसके बाद अगर हम बात करें शिवालिक पहाड़ियों के अंदर ही, हमें अगर हरियाणा के अंदर पूछे आपसे पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी, हरियाणा के अंदर अगर बात करें पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी बोला जाता है मोरनी हिल्स को, मोरनी हिल्स, यानी कि हमारा एकमात्र स्टेशन है हिल स्टेशन कौन सा आपका मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा के अंदर, ठीक है?
और इन्हीं शिवालिक की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है सबसे ऊंची चोटी शिवालिक पहाड़ियों की वो है आपकी करहो। करहो ठीक है, सबसे ऊंची चोटी आपकी करहो। और करहो की अगर हम बात करें हाइट कितनी है बताइए। बिल्कुल 1514 मीटर आपकी हाइट है शिवालिक की पहाड़ियों में, जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है हरियाणा के अंदर करो। अगर दूसरी भी पूछ ले आपसे, दूसरी है आपकी टिपरा, ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है किसके अंदर आपकी शिवालिक पहाड़ियों के अंदर, हरियाणा के अंदर। डन। अगर इसी तरह बात करें हम अरावली की, दो चोटियां हैं हमारे पास, अरावली की अगर बात करें, अरावली पहाड़ियों में हमारे पास सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी डोसी की पहाड़ी। क्या? डोसी की पहाड़ी। ठीक है, बाकी जब भी अरावली से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। डन। चलिए अब देखिए, नवीन ने आंसर भी दिया है डोसी की पहाड़ी की, अगर हम हाइट की बात करें तो 652 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक हरियाणा का मंडल नहीं है। देखिए प्रशासनिक जो भी डिवीजन हरियाणा के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है, वो हमारे पास 6 डिवीजन बनाए गए हैं हरियाणा को, यानी कि जो प्रशासन है, जो भी कानून व्यवस्था या रिवेन्यू व्यवस्था है, वो आपकी कैसी रहे, सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है, तो उसको करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हरियाणा को 6 भागों में बांटा गया है, तो इनमें से वो कौन सा नहीं है। अब आपका जो भिवानी है वो आपका मंडल नहीं है, बाकी हिसार, फरीदाबाद, रोहतक, अंबाला, करनाल, रोहतक, अंबाला, करनाल, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम। ठीक है, क्या आपका गुरुग्राम। ये आपके 6 डिवीजन हैं। और अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो डिवीजन है वो है आपका रोहतक, सबसे बड़ा डिवीजन, सबसे बड़ा डिवीजन है आपका, यानी सबसे बड़ा मंडल है रोहतक। और जो आपका भिवानी इसके अंदर ऑप्शन में है, ये आपका रोहतक डिवीजन का ही क्या है, पार्ट है। ठीक है, रोहतक डिवीजन का ही क्या है, पार्ट है। और रोहतक के अंदर अगर बात करें तो रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी, यानी टोटल कितने, 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा गठन के समय निम्न में से कौन सा एक जिला नहीं था, यानी जब हमारा हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो इनमें से कौन सा एक जिला नहीं था। हाँ जी, तो आपका हरियाणा गठन के समय हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट थे, और जिनमें से जो है उस समय सिरसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था। ठीक है, कौन सा, सिरसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था। एक सेकंड, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है जो उस टाइम हमारा, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना उस टाइम नहीं था। अब उस टाइम हमारे पास 1 नवंबर, यानी कि 1 नवंबर 1966, 1966 को हमारे पास हरियाणा के अंदर, यानी कि जब हरियाणा गठन हुआ, तो 7 डिस्ट्रिक्ट थे। कौन कौन से थे वो, गुरुग्राम,
हिसार, गुरुग्राम, हिसार, जींद, अंबाला, करनाल, महेंद्रगढ़, और आपका रोहतक। और उस टाइम जो सबसे बड़ा जिला था वो था आपका हिसार, और सबसे छोटा जिला था जींद। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एट प्रेजेंट में अगर बात करें हम तो 22 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के, ठीक है, और जो सबसे अंतिम में बना हमारे पास चरखी दादरी। आपका 22वां जिला, ठीक है, 22वां जिला बना। डन। नेक्स्ट है, किस शहर का नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर रखा गया है? कि हम मानते हैं कि ये जो शहर है इसका नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा है। हाँ जी, लगभग सभी का ठीक है। पानीपत जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा है, ठीक है, और जो पाणिनि ऋषि थे उनकी सबसे एक महत्वपूर्ण पुस्तक है कौन सी? आपकी अष्टाध्यायी, जो आप देख पा रहे हैं हमने इमेज लगाई है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? आपके पाणिनि। और पाणिपत का अगर हम प्राचीन नाम की बात करें महाभारत समय में, तो उसका नाम था आपका पनप्रस्थ। पनप्रस्थ, ठीक है, यानी कि महाभारत काल में जब पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, कितने गांव मांगे थे? 5 गांव मांगे थे, उनमें से एक था आपका पनप्रस्थ, यानी कि आज का पानीपत। डन। नेक्स्ट है आपका, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय हरियाणा के किस शहर में है? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, इन विच सिटी ऑफ हरियाणा इज द गुलजारी लाल नंदा म्यूजियम लोकेटेड? अब देखिए, जिन लोगों ने हमारी ऑफलाइन क्लासेस लगाई हैं, अगर वो अब भी इस क्वेश्चन को गलत करेंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। गुलजारी लाल नंदा जो संग्रहालय है वो है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर और भी संग्रहालय हैं, जैसे कि अगर गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है एक तो आपका, ठीक है, एक है आपका श्री कृष्ण संग्रहालय, ये आपका गुलजारी लाल जो नंदा संग्रहालय है उसी की फोटो है, ठीक है, श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय, ठीक है, फिर है आपका गीता संग्रहालय, गीता संग्रहालय, उसके बाद है आपका थानेसर संग्रहालय, थानेसर संग्रहालय, और एक है आपका धरोहर
धरोहर संग्रहालय। ठीक है, ये सभी आपके जो संग्रहालय है वो कहाँ पर हैं, आपके कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये जो कल्पना चावला, ये संग्रहालय नहीं है, ये एक तारामंडल नाम दिया गया है इसको। ठीक है म्यूजियम टाइप ही, लेकिन हम इसको जो क्वेश्चन आया था पीछे यही आया था कि कल्पना चावला तारामंडल कहाँ स्थापित किया गया है। डन। नेक्स्ट आपका केंद्रीय असौ अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस शहर में स्थित है? यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इज द सेंट्रल इक्वाइन रिसर्च सेंटर। अब ये जोन जोन इसके अंदर तुक्के मार रहे हैं ना, अब देखिए इस जो कैंसर का क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका हिसार। जो केंद्रीय असव अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहाँ पर है? हिसार के अंदर, और भी है हिसार के अंदर। अगर आपसे पूछे भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र, केंद्र, ये भी आपका कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। भेड़ भेड़ प्रजनन केंद्र, और आपका सुअर प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र, ये भी आपका कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। सुअर प्रजनन केंद्र हिसार के अंदर। असव अनुसंधान के अंदर, भेड़ प्रजनन के अंदर, सुअर और भैंस, आपके जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर हैं? आपके हिसार के अंदर हैं। नेक्स्ट है आपका किस प्रसिद्ध व्यक्ति को हरियाणा का तानसेन कहा जाता है? किस प्रसिद्ध व्यक्ति को हरियाणा का तानसेन कहा जाता है? हाँ जी, एक को छोड़कर सभी का आंसर ठीक है। हरियाणा का तानसेन आपका कहा जाता है पंडित लक्ष्मी चंद को। ठीक है, पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणा का क्या कहा जाता है? तानसेन कहा जाता है। पंडित लक्ष्मी चंद से रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका, इनका जन्म 1903, और जो मृत्यु हुई थी 1948 में, यानी 1903 से 1948 का इनका जो हम समय मानते हैं। ठीक है, और जो गांव है इनका जाटी कलां, जाटी कलां सोनीपत के अंदर, जाटी कलां गांव है सोनीपत के अंदर, इनका क्या है जन्म स्थान? ठीक है, अब देखिए पीछे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा का ऐसा कौन सा कवि था जो निरक्षर था? निरक्षर के मतलब यानी कि अनपढ़, निरक्षर, निरक्षर क्या है आपका? निरक्षर, निरक्षर था यानी कि अनपढ़, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक है। तो आपका जो पंडित लक्ष्मीचंद थे वो क्या थे, आपके निरक्षर थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। उसके बाद और भी नाम दिए जाते हैं इनको, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का शेक्सपियर भी किसे कहा जाता है, आपका पंडित लक्ष्मीचंद को, हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को, और हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का सूर्य कवि भी कौन है, आपका पंडित लक्ष्मीचंद। और आपका जो पंडित लक्ष्मीचंद है, इनका जो गुरु का नाम है वो भी लिख लीजिए आप, गुरु यानी पंडित लक्ष्मीचंद के जो गुरु थे वो थे आपके मान सिंह, मान सिंह। मान सिंह जो कि है ना नेत्रहीन व्यक्ति थे, यानी कि आंखों से क्या थे, अंधे। अब देखिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। पंडित लक्ष्मीचंद है, हरियाणा का तानसेन कहा जाता है, साथ में हरियाणा का सूर्य कवि और हरियाणा का शेक्सपियर भी किसे कहा जाता है, आपका पंडित लक्ष्मीचंद को ही कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1903 में और मृत्यु हुई थी 1948 में। जन्म स्थान आपका जाटी कलां है, गांव सोनीपत के अंदर। और जो इनके गुरु का नाम था, गुरु का नाम था वो आपका मान सिंह, जो कि एक नेत्रहीन व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन, हरश्चरित पुस्तक की रचना किसने की थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इससे रिलेटेड जो भी हम चीजें डिस्कस करेंगे ना। हाँ जी, लगभग सभी का आंसर करेक्ट है, बाणभट्ट। हरिश्चरित्र की जो रचना करी थी वो बाणभट्ट ने करी थी, यानी कि हरिश्चरित्र के अंदर क्या है, वर्धन वंश का आपका क्या है, जो भी वर्णन है, यानी हरस जब राजा था उस समय का। अब देखिए जो हरस है, हर्षवर्धन आपका, आपसे पूछा क्वेश्चन के अंदर किस वंश का राजा था, तो है ना बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं यानी जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर, वो सोचते हैं कि ये वर्धन वंश का शासक था, लेकिन एक्चुअली में ये पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश का शासक था आपका कौन, हर्षवर्धन। बहुत ही ख्याति प्राप्त राजा था इसके समय में, जो हर पुष्यभूति वंश है उसने काफी मतलब एरिया में राज किया था इंडिया के, ठीक है। अब जो हर्षवर्धन का जन्म हुआ था, ये आपके बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं हर्षवर्धन से रिलेटेड और पुष्यवती वंश से रिलेटेड। 590 ईस्वी, 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। और पूछे आपसे कि ये गद्दी पर कब बैठा था, यानी कि इसका राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक हुआ था आपका 606 ईस्वी में, यानी कि जो हर्षवर्धन था आपका राजा बना था कब, 606 ईस्वी में। इसकी मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए जब हर्षवर्धन राजा था, ठीक है, इसने ना
अपने दो तीन नाटकों का भी क्या किया था, मतलब रचना करी थी, जिनमें से फेमस नाटक है एक तो रत्नावली, क्या आपका, रत्नावली बहुत फेमस नाटक था, रत्नावली। एक है आपका नागानंद, नागानंद। एक है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ये जो नाटक हैं तीनों, ये किसने रचित रचे थे, मतलब किसने बनाए थे, तो ये आपके जो है तीनों के तीनों नाटक है जो किसने बनाए थे, आपके रचना करी थी हर्षवर्धन ने, ठीक है। और बाण भट्ट की दाहिरश्चित्र के साथ एक और फेमस किताब है कादम्बरी, कादम्बरी ये भी याद रखना आप, कादम्बरी कौन सी, दाहिरश्चित्र और आपकी कादम्बरी, दोनों पुस्तकें किसकी, आपकी बाण भट्ट की। और जो तो तीन नाटक है रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये जो नाटक हैं किसके हैं, आपके हर्षवर्धन की। अब देखिए इसके अंदर पाणिनि का हमने जिक्र किया था अभी, अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी जिसने, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना करी थी। अब बात करते हैं हम हेनसांग की, हेनसांग आपका कहाँ का था, चीनी यात्री था, चीनी यात्री। हिस्ट्री में बाकी जगह भी आपने पढ़ा होगा हेनसांग के बारे में, हेनसांग चीनी यात्री था जो कि भारत में आया था आपका बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। और ये कब आया था, ये डेट पूछी गई है 2 से 3 बार एग्जाम के अंदर, 629 ईस्वी में। ये क्वेश्चन जो हेनसांग से संबंधित है ये आपका 3 4 बार पूछा गया है, और बिल्कुल घुमा घुमा के कि आप चीनी यात्री जो हेनसांग था वो किसके समय में भारत आया था, कब भारत आया था, ठीक है। और दूसरा है इसका, इसने जो अपनी यात्रा करी यहाँ भारत में ही रहा, ठीक है, भारत में रहा, तो इसने जो अपनी वर्णन है यात्रा का, इसने यहाँ क्या क्या किया, क्या कुछ था, यानी भारत के बारे में जो भी जानकारियाँ दी, इसने एक पुस्तक लिखी थी अपनी सी यू की, ठीक है, सी यू की पुस्तक है किसकी, आपकी हेनसांग की। उसके अंदर क्या है, अपनी भारत यात्रा का वृतांत है, ठीक है। डन, नेक्स्ट। पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी जब हरियाणा बना उस टाइम जो पंजाब और हरियाणा का जो सीमा का बंटवारा हुआ, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। हाँ जी, लगभग सभी का जो है आपका आंसर ठीक है, जे सी शाह, यानी कि जो जे सी शाह आयोग था, ठीक है, जिसने क्या किया था, पंजाब सीमा यानी पंजाब पुनर्गठन एक्ट के बाद हरियाणा और पंजाब को कौन कौन सा क्षेत्र मिलेगा, कितना कितना क्षेत्र मिलेगा, उसका बंटवारा किया था। अब देखिए जे सी शाह थे आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। अब एक तो था जे सी शाह आपका इनके अंदर, दूसरे थे आपके श्री एस दत्त, श्री एस दत्त सदस्य, 3 सदस्य थे टोटल। तीसरे थे आपके एम एम फिलिप, श्री एम एम फिलिप, ये क्या थे आपके 3 सदस्य थे। और जो पंजाब पुनर्गठन आयोग था ये कब बनाया गया था, यानी इसने अपनी जो काम शुरू करा था वो कब करा था बताइए, ये बनाया गया था आपका 23 अप्रैल 1966 को, 1966 को आपका गठन किया गया था किसका, पंजाब सीमा आयोग का। 3 ये सदस्य थे इसके,
और जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो अपनी रिपोर्ट सौंपी वो कब सौंपी थी? 28 सितंबर 1966 को। 28 सितंबर 1966 को क्या थी? अपनी जो रिपोर्ट थी वो सरकार को सौंप दी थी कि अगर हम हरियाणा पंजाब को अलग करें तो जो भी एरिया का बंटवारा होगा, बाउंड्री होगी, वो किस तरह से, यानी कौन कौन से हिस्से किसके बांटे आएंगे, ठीक है। और उस टाइम की बात करें हम 1966 में, जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? क्योंकि देखिए जब कोई भी नया स्टेट बनेगा तो उस पर साइन जो होंगे फाइनल किसके होंगे, राष्ट्रपति के ही होंगे सदन में पास होने के बाद। तो राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। राधा कृष्णन राष्ट्रपति थे, ठीक है। और उसी टाइम जुलाई 1966 से 1 नवंबर 1966 तक आपका क्या लगा हुआ था? राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ था। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था कब? जुलाई 1966 से 1966 से आपका 1 नवंबर 1966, ठीक है। उस टाइम क्या था आपका लगा हुआ था? राष्ट्रपति शासन। अब इसके अंदर आपके बाद जीवी मावलंकर, सैयद फैजल और आपका हरदयनाथ कुंजरू भी हैं। इनके बारे में किसी को कुछ पता है? ये कौन थे व्यक्ति? आपने नाम सुना होगा फजल अली आयोग का, ठीक है, सुना है। जो स्टार्टिंग में हमारा तेलंगाना वगैरह बने थे ना, ठीक है, जो 1953 में आपका आयोग बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, आयोग जो बनाया था वो आपका जब बना था तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके कौन? सैयद फजल अली, या खान बहादुर सैयद फजल अली, ठीक है। हरदयनाथ कुंजरू भी उसी के मेंबर थे, उसी आयोग के, ठीक है। और अगर हम बात करें जीवी मावलंकर की, लंकर की, तो ये कौन थे? देखिए लोकसभा के पहले स्पीकर थे कौन? आपके जीवी मालूमकर, ठीक है। चलिए हमारे आज के क्वेश्चन जो है पूरे होते हैं, थैंक यू। अब देखिए जितने